पहुंच चुका हूं मैं। तो बात नीचे से आ रहा हूं। पहाड़ों में आओ और यहाँ पे खो जाओ। पूरी फॉग है, कुछ भी नहीं दिखाई। जहाँ ऊपर का इलाका है वहाँ पे बारिश कम है और नीचे के इलाके में बारिश बहुत ज्यादा है। यहाँ पे हर जगह अलग ही व्यू दिख रहा है। उस तरफ अलग व्यू दिख रहा था, यहाँ पे अलग ही फॉग का व्यू दिख रहा है। बहुत ही प्यारा व्यू दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे जगह इतनी प्यारी, इतनी सुंदर जगह है ना। यहाँ पे आप ऊपर पहाड़ पे देख सकते हो, बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ पे पूरा फॉग है और बहुत ही मस्त लग रहा है यहाँ पे। तो चलो भाई आगे चलते हैं, अभी 11 बजने वाले हैं। कैंची पहुंच चुका हूं मैं और कैंची धाम आश्रम दिखाता हूं मैं आपको। नीचे आपको दिख रहा होगा नीचे वो है कैंची धाम आश्रम। वहां से नीचे से जाना पड़ता है घूम के, पूरा नीचे जाके 3 किलोमीटर घूम के आना पड़ेगा नीचे दर्शन करने के लिए। पार्किंग नीचे, पार्किंग पूरी सारी फैसिलिटी है। नीचे जाके दर्शन करके आते हैं नीम करौली बाबा के। दर्शन करने जा रहे हैं नीम करौली बाबा के। यहाँ पर वीडियो सब कुछ भी अलाउड नहीं है, आगे जाना पड़ता है वीडियो बनाने के लिए। बहुत भीड़ है भाई यहाँ पे। वहाँ पे मंदिर है, वहाँ पे दर्शन करने जाना है। पूरा मेडिटेशन सब करके वापस आना होता है। अभी दर्शन करने जा रहे हैं। फिर वापस यहाँ से नैनीताल जाएंगे बाइक लेके। तो चलो भाई अभी निकलते हैं नैनीताल के लिए। यहाँ से अपनी बुलेट उठाते हैं और निकलते हैं नैनीताल के लिए। बहुत स्लिपरी है यार यहाँ पे, और रास्ता आपको बताऊँ यहाँ से वहाँ तक पूरा ऊपर ले जाना पड़ेगा। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, मज़ा आएगा। चलो निकलते हैं अभी, पूरा ऊपर तक वहाँ तक देखो यार। वहाँ पर भी रिजॉर्ट है, होम स्टेस है और मौसम अभी भी बहुत ही मस्त हो रखा है। चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है और अलग ही व्यूज है यहाँ पे। बहुत ही सुंदर नज़ारे। नॉर्मली जब लोग आते हैं तो अगर ट्रेन में आते हैं तो काठगोदाम में रूम लेते हैं और वहाँ पर फ्रेश होकर यहाँ पर आते हैं। मैंने भी वैसे ही किया, लेकिन आप लोग यहाँ पर भी आके स्टे कर सकते हो, यहाँ पर भी फ्रेश हो सकते हो। रूम्स है, कॉटेजेस है, होम स्टेस है, बहुत कुछ है। 1000 रुपीज़ पर डे के प्राइस में मिल जाएंगे। और व्यू तो बहुत ही मस्त दिखेगा। जैसे ये छोटे छोटे कॉटेजेस है यहाँ पे, इन कॉटेजेस से व्यू बहुत ही अच्छा दिखता है। कोई कोई तो वहाँ ऊपर भी है, छोटे छोटे रिजॉर्ट जो ऊपर वो दिख रहा है सामने, वहाँ पर वहाँ से व्यू अलग ही आता है। तो अभी निकल लिए नैनीताल के लिए यहाँ से। बहुत सारे झरने हैं बीच बीच में, एक आधा आधा किलोमीटर में इतने सारे झरने हैं कि अलग ही व्यू आता है। ये देखिए राइट साइड में, यहाँ पे मस्त व्यू आ रहा है फॉग का पूरा, और पीछे झरना था छोटा सा। ऐसे कंटिन्यूसली बहुत सारे झरने हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ पे। अभी तो बोलते हैं कि पहाड़ों में आओ और यहाँ पे खो जाओ, पहाड़ों से अच्छा कुछ भी नहीं है। जब हम सिटी में रहते हैं
ये सब हम महसूस नहीं कर पाते, ये सब हम फील नहीं कर पाते। जब पहाड़ों में आते हैं तो अलग ही फील होता है, ऐसे लगता है कि यहीं पे रह जाए, बस सब कुछ छोड़ छाड़ के बस यहीं पे रहे। तो जस्ट अभी पेट्रोल डलवाया, खाली हो गया था। वहाँ पे जहाँ मैं रेलवे स्टेशन पे उतरा था वहाँ पर 92 रुपीज़ था पेट्रोल, यहाँ पर 94 रुपीज़ है। भाई देखो, एक ही शहर में अलग अलग जगह पे अलग अलग रेट्स है। तो कॉफ़ी उठाइए, अभी निकलते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, फिर निकलते हैं नैनीताल के लिए। वहाँ नीचे से आया हूँ, वो रोड दिख रही है आपको, वहाँ से आया हूँ मैं। व्यू देखो आप यार, यहाँ से वापस रोड नीचे उतरेगी पूरी, वो वाली रोड जाएगी नैनीताल के लिए। नैनीताल यहाँ से कुछ 8 किलोमीटर दूर है, चलते हैं वहाँ पे, घूमेंगे आराम से, फिर निकलेंगे वापस। भाई ये मौसम हर जगह क्यों नहीं होता है, बस यहीं पर क्यों है? मौसम देखो यार, क्या मस्त मौसम है। ऐसा मौसम अगर हर जगह हो ना तो ज़िंदगी लाजवाब हो जाए। ये मौसम देख के यहीं पे रहने का मन करता है सच में। तो नैनीताल पहुंच चुके हैं, अभी चलते हैं कुछ खाना खाते हैं। ये नैनीताल की लेक दिखाता हूँ मैं आपको, खाना खा के फिर चलते हैं मॉल रोड, कुछ शॉपिंग करते हैं, छोटी मोटी देखते हैं क्या मिलता है। ये देखो भाई नैनीताल के नज़ारे, बहुत ही सुंदर है नैनीताल। इस तरफ पड़ता है तल्लीताल और उस तरफ है नैनीताल। अभी जाएंगे नैनीताल में जो मॉल रोड है, फेमस मॉल रोड, वहाँ पे जाएंगे। भाई नैनीताल की गलियाँ बहुत ही मस्त है यार, एकदम खाली पड़ी है, वहाँ से ज़्यादा भीड़ नहीं है, फिर भी बहुत ही मस्त है। यहाँ पे अच्छा व्यू है। अभी कहीं चलते हैं कुछ लंच करते हैं यार, बहुत भूख लगी है। बच्चे वो नहीं लग रहा है, कोई मिल गया मूवी में होते हैं ना, वैसी यूनिफॉर्म लग रही है मेरे को। वो भी तो नैनीताल में शूट हुई थी। मैं निकल चुका हूँ मॉल रोड पे, देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पे, छोटी मोटी शॉपिंग करते हैं क्योंकि नज़ारा बहुत ही मस्त है। और मॉल रोड यहाँ की फेमस भी है, जैसे मनाली में शॉपिंग के लिए। तो अब निकलते हैं नैनीताल से, जाते हैं काठगोदाम, 6 बजने को आए हैं, 7 बजे तक पहुँचेंगे हम एक घंटे से, तो निकलते हैं अपनी एम्बुलेंस चालू कर लें। तो अभी नैनीताल से निकल लिया है, अभी जा रहे हैं वापस काठगोदाम, वहाँ से बस पकड़ेंगे दिल्ली के लिए। फॉग देखिए, फॉग आगे, पूरी फॉग है, कुछ भी नहीं दिखेगा आगे, मुझे पता है। जल्दी से फोन रखता हूँ, बाद में मिलते हैं आपको। यहाँ पे रुका थोड़ी देर चाय पीने के लिए, ये को बोला चाय बनाने के लिए, चाय रेडी हो चुकी है, फिर चलते हैं नीचे काठगोदाम के लिए। बहुत फॉग है ऊपर। भैया के शॉप है यहाँ पे नैनीताल से आप नीचे आते हैं काठगोदाम की तरफ, तो भैया के शॉप है, नाम क्या है, बाबा ढाबा, तो यहाँ पे ज़रूर आइएगा और चाय नाश्ता करके जाइएगा। चलो चलते हैं अब आगे, निकलते हैं। बाइक दे दी हमने, अभी चलते हैं रूम में, लगेज देते हैं और निकलते हैं। भाई बहुत लेट हो चुका है, सो अभी यहाँ से निकलिए बस के लिए, बस आएगी 9 बजे अपनी दिल्ली के लिए। दिल्ली है यहाँ से 280 किलोमीटर और बरेली 103 किलोमीटर, हम जाएंगे दिल्ली। बस बहुत बढ़िया है यार, बहुत ही मस्त एम्बियंस है बस का, जो नॉर्मली बैंगलोर से बस आती है उससे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। चलो अभी सो जाएंगे क्योंकि खाना हमने खा लिया है और सुबह दिल्ली में जाके उठेंगे। भाई तो भाई अपने साथ में एक बहुत ही बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, अभी मैं ना उस वाली सीट में जाके बैठ गया और मेरी सीट थी ये वाली, पता नहीं वहाँ पर लिखा भी ऐसे ये DOC वो है, लेकिन क्या करें, हो जाती है, बड़े बड़े शहर में छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती है।
भाई इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अगर ब्लॉग अच्छा लगे आपको चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करते रहे गाइस, क्योंकि बहुत ही आगे बढ़ना है, आपका सपोर्ट चाहिए।